दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा संस ज्वेलर्स चौक बाजार। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसे 1,000 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की इस पहल पर बिलासपुर के लोगों ने क्या राय रखी, आइए सुनते हैं अनूप शर्मा के साथ। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार ने फैसला किया है इसके जुर्माने का, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लोग पहले ऐसे ही घूमते थे बिना मास्क के। हम थोड़ा डर की वजह से मास्क लगा के घूमते हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे कोरोना महामारी को भी कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, और जो सरकार ने अभी जो ऑर्डर किए मास्क के कि 500 की जगह 4,000, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल लोगों को अपने आप इसको मेंटेन करना चाहिए। पर चलो ये सरकार को करना पड़ा कि 5,000 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो यही सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपसे बाहर से लोग आ रहे हैं इनको भी रोका जाए, और जिस वजह से ये महामारी में कुछ अंकुश लग सके। मेरा नाम राजेश सांख्यान है, मैं व्यवसायी हूँ और जिला से है। सरकार जो भी काम कर रही है, जिसके लिए भी वो कर रही है, कोई जुर्माना लगा रही है या कुछ बात कर रही है और लोगों को अवेयर करने के लिए लगा रही है, सरकार उसके कोई उस पैसे को इकट्ठे करने के लालच में नहीं है। अब लोगों को बार बार इतनी बार से प्राइम मिनिस्टर एक अपनी जनता के लिए बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर एक अपनी जनता के लिए बोल रहा है, उसको अपनी जनता से प्रेम है। पर लेकिन ये जो लोग हैं ये नहीं मानते हैं, अगर 500 किया तब नहीं माने, और अब क्या ऐसी व्यवस्था की जाए। या तो उनको, मैं तो ऐसा भी समझता हूँ कि अगर ऐसे, एक तो ठीक है डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, अब इस चीज़ का तो पता तो लग नहीं रहा कि कैसे ये हो रहा है। मास्क भी बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। चलो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, घुटन होती है, ऐसा होता है, तो जब आपके सामने कोई नहीं है, दूर है कोई मीटर, 5 मीटर 10 मीटर दूर है, तो आपको उसके अगर नहीं है उस टाइम लगाया तो कोई बुरी बात नहीं है। बट लेकिन जब आपके नज़दीक कोई आता है तो आपको तो अवेयर होना ही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये बातें सारी हो रही हैं। तो अब आप देख लो पूरा कहाँ से कहाँ को जा रहा है। जब आप मास्क लगाओगे तो आप सेफ रहोगे, आपका परिवार सेफ रहेगा, आपके बच्चे सेफ रहेंगे, समाज सेफ रहेगा। नहीं तो फिर वो सरकार को लॉकडाउन करना पड़ता है, उससे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, रोजी रोटी में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप उन समस्याओं से बचने के लिए तो आपको तो एटलीस्ट ऐसा चाहिए कि आप जो सरकार निर्देश कर रही है उसका पालन करें, जिससे कि समाज में, सरकार में, लोगों में, सब में जागरूकता आए और बचे। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे, हिमालय का दिल हिमाचल